हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की कचौरी। मूंग दाल की कचौरी ये एक स्नैक्स रेसिपी है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए हमें ये जो मैंने मूंग दाल लिया है इसे अच्छे से मैंने दो तीन बार वॉश करके लिया है, तो उसे हमें एक घंटे के लिए भिगोना है। तो इसके लिए मैं ये पानी इसमें डालती हूँ और इसे एक घंटे के लिए भिगोने के लिए रखती हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम मूंग दाल कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं। ये मैंने एक कप मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये मैं इसमें डालती हूँ। ये स्वाद अनुसार नमक हाफ टी स्पून मैंने लिया है। ये मैं नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें मैं ये 2.5 चम्मच घी डालती हूँ। घी से कचौरी बहुत ही खस्ता बनती है और इसे घी को हमें मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए हमने हल्का सा गर्म पानी लिया है, जिससे हमारी कचौरी बहुत ही अच्छी और खस्ता बनेगी। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल रही हूँ और आटा गूंद रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा लग चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं और तब तक हम कचौड़ी का अंदर का जो फिलिंग है वो बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा लिया है, जिसे हम दरदरा पीस लेंगे। जो ये मूंग की दाल, आधा कप मूंग की दाल हमने 1.5 घंटे के लिए भिगो के रखी थी, उसे हम अभी मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम मूंग दाल कचौरी का अंदर का फिलिंग बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने जो मूंग दाल भिगो के लिया था उसे कोर्सली ग्राइंड करके लिया है। ये 5 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा हींग लगेगा हमें। ये 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, ये 2 टीस्पून ये धनिया, जीरा और सौंफ जो मैंने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है वो ये पाउडर है। और ये गरम मसाला है जो हमने 1/2 टीस्पून लिया है, ग्रीन चिली पेस्ट है 1/2 टीस्पून, जिंजर पेस्ट है 1/2 टीस्पून, आमचूर पाउडर लगेगा 1/2 टीस्पून और नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। आइए पहले हम अंदर का फिलिंग बना लेते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है कढ़ाई में, ये मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया है और ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। ये हम थोड़ा सा हींग इसमें डालेंगे ऑयल में। ये धनिया, जीरा और सौंफ जो हमने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है ये इसमें डालते हैं। ये हरी मिर्च पेस्ट है, जिंजर, ये
इनको हम आधा मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम ये गरम मसाला डालेंगे। रेड चिली पाउडर, ये मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इसलिए इसका कलर एकदम रेड है। और ये हम अभी बेसन इसमें भून लेंगे। बेसन को हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, उसका कच्चापन पूरा निकालना है। ये हमने बेसन को 4-5 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम ये मूंग दाल इसमें डालेंगे। मूंग दाल को हमने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है, तो हम इसमें मिक्स करते हैं। अपने में हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखते हैं, हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये अमचूर पाउडर है जो हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो हम फिलिंग है बहुत ही अच्छा बना है और ये तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा बहुत अच्छे से तो सॉफ्ट हो गया है अभी, तो हम इसके लोइया में ये करते हैं, निकालते हैं और फिर कचौड़ियाँ बनाते हैं। इस तरह से छोटी साइज की पूरी बेल लेंगे और इसमें ये जो हमने गोलियाँ बनाई है स्टफिंग की, वो तो इसके अंदर डालेंगे। सभी साइड से पूरा इसे ऊपर लाना है और अच्छी तरह से इसे बंद करना है। सभी साइड से बंद होना एकदम ज़रूरी है, नहीं तो अंदर का जो स्टफिंग है वो हम जब फ्राई करेंगे कचौड़ियाँ तब बाहर आएगा, इसलिए सब साइड से इसे पैक करके इसको बंद कर देंगे। ये हमारी कचौड़ी बन करके हमने इसे थोड़ा सा बेल लेना है, एकदम हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है और इसको थोड़ा ठीक ही रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कचौड़ी बना ली है। अब हम इसे ही सभी कचौड़ियाँ बना लेते हैं और फिर इसे फ्राई करते हैं। सभी पूरियां इस तरह से भर देंगे। इसे अच्छे से पैक करना है। और आप इसे सर से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, ज़्यादा उसे बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से भी आप हाथ पे भी प्रेस कर सकते हैं। तो और कचौरी आपको भर के दिखाती हूँ। तो हाथ में उठाएंगे, इसमें अंदर स्टफिंग डालेंगे और सभी साइड से इसको बंद करेंगे। बंद करते टाइम पूरा सभी साइड ऊपर आनी चाहिए और उसके बाद में इसे इसे पकड़ के ऊपर का पोर्शन निकाल के लेना है और स्टफिंग को एकदम अच्छे से अंदर पैक करना है। आप ये ऐसे हाथ पे भी दबा के उसको बड़ा कर सकते हो। बेलन का मैंने आपको पहले दिखाया है, वैसे भी कर सकते हो।
पर ऐसा रख के भी आप ऐसे हाथ से ऐसा थोड़ा बड़ा कर सकते हो इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये कचौरियाँ इसमें डालते हैं। कचौरियों को एकदम धीरे धीरे डालना है और एकदम स्लो पे रखना है। ये मैं 3-4 कचौरी एट ए टाइम डाल रही हूँ। हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी है, हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये बाकी के भी कचौरी इसमें डाल लेते हैं। एक लॉट को फ्राई करने में हमें 10 से 12 मिनट लगते हैं, और जब तक कि कचौरी एक साइड से ऊपर नहीं आ जाती तब तक उसे हमें पलटाना नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सभी कचौरियाँ फ्राई होके बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनी हैं, बहुत ही क्रंची है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी खस्ता मूंग दाल कचौरी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।